हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं बहुत ही चटपटा नाश्ता, जो हमने गेहूं के आटे से बनाया है। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, और ये सिंपल और बहुत ही टेस्टी, बच्चों के भी पसंद आने वाला है नाश्ता है, बड़े तो खाएंगे ही। तो आप लोगों को अगर कानपुरी आटा का बनाना है तो भी बना सकते हैं, लेकिन मैं गेहूँ के आटे का बनाऊँगी जो हेल्दी होगा। तो चलिए बनाते हैं। देखिए, हमने एक कटोरी गेहूं का आटा लिया हुआ है, इसको छान लिया है और एक बाउल में डाल दिए हैं। और इसमें हम डाल देंगे थोड़े तेल, तो तेल जो है गरम है, और दो चम्मच करीबन हमने इसमें डाल दिया है। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे नमक, थोड़ा सा नमक इसमें डालने के बाद इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से फ्रेंड्स जो आटा है बहुत ही टेस्टी बन जाएगा, और कसूरी मेथी फ़ायदा भी है, तो इसीलिए इसको हम डाल देंगे। और हेल्दी भरपूर नाश्ता हम बना रहे हैं तो इनको भी डालना ज़रूरी है। अब इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। आप लोग देख पा रहे हैं हमने अच्छे से इसको मिला लिया है। अब थोड़ा सा पानी लेंगे और इसका डो तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डालेंगे, और इस सख्त आटा इसको हम तैयार करना है, नरम इसको नहीं बनाएंगे। तो इस सख्त आटा हम इसको तैयार कर लेंगे। अब इन आटों को हमने अच्छे से गूंथ लिया है, और गूंथ करके इसको हम रखेंगे इसको कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए, जिससे जो मेरा आटा है अच्छे से सेट हो जाए। तो हमने आटा लगा लिया है, अब इसको हम ढक देंगे। और जब तक ये आटा रेस्ट हो रहा है तब तक हम ये जो आलू है इसको तैयार करेंगे। तो हमने उबले हुए आलू लिए हुए हैं, इसको छील करके मसल लिया अच्छे से, और इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। तो अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा तीखापन के लिए डाल दिए हैं, और थोड़ा सा डाल देंगे गरम मसाला, और साथ में डाल देंगे थोड़े से चाट मसाले चटपटा बनाने के लिए। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से नमक, नमक थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि चाट मसाला में भी नमक होता है। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे बारीक हमने हरा मिर्चा है उसको काट के रखा हुआ है, इसको डाल देंगे। मिर्ची को बहुत ही बारीक काटना है, जिससे जो बच्चे खाएं तो उनको अच्छे से पता ना लगे। बड़ा बड़ा मिर्चा काटेंगे तो मुंह में आएगा, तीखा लगेगा। और साथ में डाल दिए हमने प्याज बारीक काट के, और धनिया की पत्ती। तो इन सबको हम मिला लेंगे इसको। ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार भी होगा, और एक अलग तरह से ये नाश्ता तैयार होता है। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, एक बार खा लेंगे तो ज़रूर बनाएंगे बार बार। अभी इन सबको अच्छे से हमने मसल के तैयार कर लिया। अब चलते हैं, जो आटा हमारा है तो उसको देख लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा और मसल लेंगे। अब इनको हम छोटी छोटी लोड़ियाँ काट लेंगे। छोटी छोटी पूड़ियों की तरह बनाएंगे इसको, और इसमें जो हमने आलू का मिश्रण तैयार किया है इसमें भर देंगे। एक कचौड़ी से भी बहुत मस्त लगता है, चाय के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं। अब इनको देखिए हम अच्छे से बंद कर देंगे। अब इनको बेलेंगे हम नहीं, बस थोड़ा सा चपटा कर देंगे। जो हथेली है हथेली की मदद से इसको चपटा कर देंगे, और ये देखिए तैयार हो गया। अब इसको एक प्लेट में रख देंगे, और दूसरा भी बना के दिखा देते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं दूसरा भी हम बना लिए हैं। अब इसी तरह से सभी को हम बना करके अभी आप लोगों को दिखाते हैं। या हथेलियों से या से चकली पे रख कर के इसको बना सकते हैं। तो देखिए हमने बना लिया। अब चलते हैं इसको तलने के लिए। इधर हमने तेल गरम करके रखा हुआ है, और तेल अच्छे से गरम हो जाना चाहिए, और उसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर दें, नहीं तो जो ऊपर से
सीख जाएंगे कचौड़ियाँ या पूड़ी कचौड़ी आप लोग कुछ भी कह सकते हैं इसको, और अंदर से नहीं सीखेंगे। तो इसीलिए अच्छे से तेल गरम कर दीजिएगा और उसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिएगा, जिससे ये धीरे धीरे से कुक हो और पूरे अंदर तक सीख जाए। तो मैंने सभी कचौड़ियों को इसमें डाल दिया है। और ये धीरे धीरे से देखिए सिक रहा है। अब एक चम्मच से इसको हम पलटेंगे। चम्मच से पलटने में बहुत मतलब अच्छा रहता है, ये टूटता नहीं है और अच्छे से पलटा जाता है। देख पा रहे हैं, इसको अलट पलट करके अच्छे से सेकना है। और इसका पता ऐसे लगता है कि कुक हो गया अच्छे से ऊपर से, तो देखिए फट जाता है ऊपर और अच्छे से फूल भी जाता है, फट भी जाता है। तो आप लोग समझ लीजिए गैस मतलब ये पक गया है। तो हमने गैस को अब बंद कर दिया है, यानी एकदम बंद नहीं किया है, एकदम स्लो कर दिए हैं, नहीं तो ये जल जाएंगे। अब इनको हम निकाल लेंगे। तो देखिए हमने बना लिया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को पूरा पूरा वॉच करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब तक हमारे वीडियो में बन रहे, धन्यवाद।